कुछ राजनीतिक दल एक बार फिर वर्ग विभेद, जाति तनाव में पुनः बिहार को ढकेलना चाहते हैं। 2005 के पहले इसी गठबंधन ने बिहार में नरसंहार की श्रृंखला की शुरुआत की थी। और मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी के लोगों से, अब आरजेडी के लोगों से पूछूं कि अब तो एक ही नाम रह गया है, क्योंकि उनके अलावा तो बाकी किसी का चेहरा भी नजर नहीं आता है। तो मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी से कि माले के लोगों को फिर गले क्यों लगाया है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को गले क्यों लगाया है, नरसंहार में विश्वास रखने वालों को इन्होंने गले क्यों लगाया है, क्या बिहार को एक बार फिर जंगल राज में धकेलना चाहते हैं। इन्होंने पोस्टरों से लालू जी की, राबड़ी जी की फोटो हटा दी होगी, लेकिन इनकी सोच अभी भी वही है, ये बिहार को वापस उसी जंगल राज में ले जाना चाहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो देश की राजधानी में जाकर भय फैलाते थे, देश के टुकड़े करने की बात करते थे, उसको आरजेडी ने गले लगाने का काम किया है, बिहार को एक बार फिर रक्त रंजित करने का काम करना चाहते हैं। और बिहार के लोगों को सजग रहना होगा इस टुकड़े टुकड़े गैंग से, कम्युनिस्टों से, अर्बन नेक्सलिस्ट से, माले के लोगों से।